हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लूना को लेके एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और दोबारे से जो उनके को फाउंडर हैं डो क्वान, उन्होंने टेरा इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान 2 जो है प्रपोज किया है। और क्या उसकी डिटेल हैं और क्या हमें वहाँ मिलने वाला है, वो इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने हुए हैं और हम आपको लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी लूना से रिलेटेड अपडेट आ रही है, क्योंकि हमें पता है आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 दिन पहले इन्होंने टेरा इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान जो है प्रपोज किया था डो क्वान ने, आई थिंक वो पास नहीं हुआ और वो फिजिबल भी नहीं लग रहा था। तो यहां पर अभी उन्होंने रिवाइवल प्लान 2 प्रपोज किया है गवर्नेंस के लिए, जिसकी वोटिंग 18 तारीख को होगी और अगर ये पास होता है तो 27 तारीख को आपको नया लूना देखने को मिल सकता है। तो क्या इसकी डिटेल है वो आपको बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे ही ये इन्होंने नया रिवाइवल प्लान जो है बताया, प्रपोज किया, उसके बाद हमने दोबारा से इसके अंदर एक स्पाइक देखा प्राइस के अंदर, और अभी यूएसटी की बात करें उसके अंदर भी हमें एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अभी प्रपोजल जो इन्होंने दिया है उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर ये जो है 2 चेन प्लान कर रहे हैं, यानी कि अभी जो ये टोकन है ये भी रनिंग में रहेंगे और जो नए टोकन होंगे वो भी रनिंग में यहां पे रहने वाले हैं। तो अभी 4 करेंगे, तो यहां पे जो ओल्ड चेन का नाम ये रख देंगे उसका नाम रखेंगे टेरा क्लासिक, और टोकन का जो टिकर होगा, अभी जो है लूना दिख रहा है ना आपको, ये देखो लूना लिखा हुआ आ रहा ना, वो लूना जो है चेंज हो जाएगा किसके अंदर, नए नाम पे, जिसका नाम होगा LUNC, और जो नई चेन है उसका नाम टेरा ही रहेगा और टोकन का नाम रहेगा लूना। होना तो ऐसा नहीं चाहिए था भैया, हमारे पास तो ये होल्ड है, हम तो चाहेंगे यही लूना रहे, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये करने वाले हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है, लूना जो होगा वो एयर ड्रॉप किया जाएगा लूना क्लासिक के जो स्टेकर्स हैं, कई लोगों ने अपने टोकन स्टेक किए हुए हैं, कई लोग जो है उसको होल्ड करते हैं, कई लोग यूएसटी को होल्ड करते हैं, और जो एसेंशियल डेवलपर्स हैं उनको यहाँ पे एयर ड्रॉप किया जाएगा जो भी इसको होल्ड करते होंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल निकल के आता है, इनके वॉलेट के अंदर तो कई सारे लूना पड़े हुए हैं, यूएसटी पड़े हुए हैं, तो इनका कहना है कि एयर ड्रॉप के लिए वो इन अपने वॉलेट को वहाँ रिमूव कर देंगे, यानी कि अपने वॉलेट के अंदर वो एयर ड्रॉप नहीं करेंगे, ताकि जो टेरा हो वो फुल्ली कम्युनिटी ओन्ड चेन बन जाए, और साथ के साथ जो है एक लार्ज पोर्शन जो रहेगा टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का वो एलोकेट करेंगे, प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रनवे फॉर एग्जिस्टिंग जो टेरा डेवलपर्स हैं, और लंबे समय में डेवलपर्स का इंटरेस्ट बना रहे लॉन्ग टर्म के सक्सेस के लिए, इकोसिस्टम के लिए। और यहाँ पर नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करें तो इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं ताकि टोकन का जो इन्फ्लेशन है वो सही रहे, और यहाँ पर टारगेट स्टेकिंग जो रिवॉर्ड रहेगा वो 7% पर एनम इनका प्लान है। अब कितने टोकन मिलेंगे यही आपके मन में सवाल आ रहा होगा, और हमें क्या मिलने वाला है वो अब आप समझिएगा। तो यहां पर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 1 बिलियन यहां पे लूना टोकन होने वाले हैं, 25% जैसा कि अभी ऊपर आपने देखा समरी के अंदर कम्युनिटी पूल को जाएगा, और जो कि कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नेंस इनका रहने वाला है, 1% जो रहेगा एसेंशियल डेवलपर इमरजेंसी एलोकेशन के अंदर रहेगा, जिसके अंदर कोई लॉकअप नहीं होगा, यानी कि लॉक्ड नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्लान तो किया है लेकिन आपको लग रहा है कि आपके क्वाइन एयर ड्रॉप मिल होके एकदम से आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर इन्होंने कंडीशंस रखी हैं। अब 35% जो रहेगा एलोकेशन का वो ऑल बॉन्डेड या अनबॉन्डेड लूना जो रहेंगे, माइनस TFL जो प्री अटैक से पहले का स्नैपशॉट था। अगर लोगों के वॉलेट के अंदर 1 मिलियन से कम है तो यहां पर 1 ईयर का क्लिफ रहेगा, उसके बाद में 2 साल के अंदर वो आपको यहां पे मिलने वाले हैं, और अगर आपके पास में 1 मिलियन से ज्यादा टोकन वॉलेट के अंदर है तो यहां पर 1 साल का आपका क्लिफ रहेगा और 4 साल के अंदर वो आपको टोकन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि आपको इतना आसान नहीं रहेगा लेकिन कुछ ना से कुछ तो अच्छा ही है। या एक और इंपॉर्टेंट बात जो है, 10% जो रहेगा लूना होल्डर्स को स्टेकिंग डेरिवेटिव्स जो है इंक्लूड है इसके अंदर, 10% जो होगा उनमें से 10% जो होंगे वो लूना होल्डर्स को अनलॉक कर देंगे 10% एट द जेनेसिस, जब ये नई जो चेन बनेगी उसको जो पहला ब्लॉक होता है उसको जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, तो उस पर वो है आपको अनलॉक कर देंगे, बाकी 90% जो रहेंगे वो 2 साल के अंदर आपको वहां मिलने वाले हैं।
सेम ही सिचुएशन 25% जो रहेंगे वो यूएसडी होल्डर्स के लिए इन्होंने रखे हैं, और जिसमें से 10% जो होगा अनलॉक कर देंगे नए चेन के साथ में ही, बाकी जो रेस्ट के रहेंगे वो 2 साल तक आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, यानी कि इन शॉर्ट इतना आसान नहीं है जर्नी, लेकिन हाँ ये प्रपोज़ल अगर आता है तो कहीं ना कहीं अगर आप होल्ड भी कर पाएँ तो शायद कुछ भला हो जाए इन फ्यूचर लूना होल्डर्स का। अभी तो हमें नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर कुछ ना से यार आपके लिए भागते चोर की लंगोटी सही कुछ भी मिले तो यहाँ पर हमारे लिए भला ही होगा। यहाँ पर टेक्निकल डिटेल्स भी हैं, प्री अटैक लॉन्च की, ये ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको समझने की ज़रूरत क्या है। इन्होंने इस अभी जो है प्रपोज़ल अनाउंसमेंट करी है, अब गवर्नेंस प्रपोज़ल आउट होगा, वोटिंग होगी, अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं 27 तारीख को नया नेटवर्क लॉन्च होगा और साथ के साथ में यहाँ पे एयर ड्रॉप हो जाएगा। अब आने वाले टाइम के अंदर और जो डिटेल निकल के आएंगी, यार अगर आपको लगता है अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी आपको और बताने की। लेकिन जो भी होल्डर्स होंगे उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे इन फ्यूचर एयर ड्रॉप के माध्यम से नए टोकन मिलेंगे, और जिससे आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपकी रिकवरी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं जिसका आप फायदा उठा पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ, ध्यान रखिएगा उससे आप करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।